का जी राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान, और सीधे आपको जयपुर ले चलते हैं जहां पर प्रदेश के मुखिया का संबोधन चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। आप स्वयं हम अपनी जीवनी नहीं लिख सकते, लेकिन बाबा साहब ने दुनिया के हर देश का संविधान लिया, उसमें से क्या अच्छा हो सकता है। उनको निचोड़ करके एक एक बात को इंगित करते हुए अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर नागरिक, गांव में बैठा हुआ हर नागरिक के लिए, एक एक नागरिक के लिए उन्होंने जिस तरह से सामाजिक न्याय देने का और कर्तव्यों पर चलने का वो संविधान का दस्ता, वो संविधान जो तैयार किया, वो अपने आप में निराला है, अपने आप में निराला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज उनको, मैं पुष्पांजलि अपने बाबा साहब को की है। निश्चित रूप से ऐसे भारत के सपूत, ऐसे भारत के हमारे विद्वान, ऐसे हमारे भारत के पढ़े लिखे जिन्होंने संविधान को जिस तरह से गढ़ने का काम किया, आज हम सब बैठे हैं, हमारा देश चल रहा है, ये बाबा साहब की देन है। मित्रों, कभी कभी लोग कहते हैं, माननीय जोगेश्वर जी बता रहे थे, सही कह रहे थे, पहली अंतरिम सरकार बनी थी, बाबा साहब उसमें कानून मंत्री बने थे, लेकिन 1952 का चुनाव हुआ, यही कांग्रेस थी, इन्होंने बाबा साहब को टिकट भी नहीं दिया, और टिकट भी नहीं देने के अलावा इन्होंने हराने का भी काम किया बाबा साहब को, इन्होंने संसद में नहीं पहुंचने दिया। दूसरी बात, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजादी के बाद जब देश पूरा, आजादी से पहले देश पूरा आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सभी लोग साथ थे, कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा आजादी मिल गई, अब इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस कांग्रेस को समाप्त करने का काम नहीं किया, उन्होंने इस कांग्रेस का वोट की राजनीति के हिसाब से काम लेने के लिए उन्होंने उसी को नाम चलाए रखा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा जिस तरह से आगे चलते हुए भारत की जिस तरह स्थिति पैदा की, देश को जाति पाति में बांटा, तुष्टिकरण के आधार पर चलाने का काम किया, आज देश की जो दिशा बदली है, इन्होंने कितना बड़ा काम किया कि भ्रष्टाचार से लेकर तुष्टिकरण के आधार पर चलना सिखाया इन्होंने। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 25 जून 1975 का अगर दृश्य आप देखेंगे, ऐसा क्या कसूर था उन लोगों का जिनको आपने जेलों में ठूस दिया, जो छोटे छोटे बच्चे उनके अनाथ हो गए, उन लोगों की स्थिति किस तरह से खराब हुई। आज मैं कहना चाहता हूं कि 25 जून 1975 को जिस तरह से इन्होंने तुरंत चुनाव हारने के, चुनाव का परिणाम आने के बाद जिस तरह से इन्होंने स्थिति पैदा की, चुनाव का परिणाम तो आ गया, लेकिन जो कोर्ट में उन्होंने केस किया तो उसमें चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर क्या हो सकता है, आपातकाल की स्थिति उन्होंने लगा दी, आपातकाल की स्थिति नहीं लगाई, आपने देखा होगा कि हमारी प्रेस पर किस तरह से पाबंदी उन्होंने लगा दी, कोई भी व्यक्ति अगर निकल करके जाता था उसको बंद कर दिया जाता था, संविधान किसी भी राष्ट्र का आधार स्तंभ होता है उसको कुचलने का काम इन्होंने किया। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान सभा ने जो दस्तावेज तैयार किया, केवल हमारे संविधान ढांचे को प्रभावित नहीं करता बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को समान अधिकार भी मिले। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा इस कांग्रेस ने हमेशा देश को ठगने का काम किया है, देश को झूठे वादे करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इन्होंने 70 साल तक गरीबी हटाओ बना रह दिया, लेकिन इनका गरीबी से कोई संबंध नहीं रहा, इन्होंने गरीबों को कभी नजदीक से नहीं देखा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति हो, या देश दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आपने देखा होगा। यही नहीं, बाबा साहब को सम्मान देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आपको पता है 2005 में मध्य प्रदेश
में बाबा साहब की जन्मभूमि तीर्थ के तौर पर मऊ में भव्य स्मारक बनाने का काम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यही नहीं, लंदन में जिस भवन में रहकर बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, अध्ययन किया, उस भवन को खरीदकर शिक्षा भूमि तीर्थ रूप में स्मारक बनाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को राष्ट्र को समर्पित किया। इसी तरह नागपुर में 1995 में भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा दीक्षा भूमि में भी तीर्थ रूपी भव्य स्मारक बनाने का काम किया। और आपने देखा होगा 26 अलीपुर रोड दिल्ली की जिस भूमि पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, उस भूमि को 2003 में श्रद्धेय अटल जी के सरकार में अधिग्रहण किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर निर्माण भूमि तीर्थ स्मारक बना करके उसको भव्य रूप देने का काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मुंबई के दादर में जब बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, उस भूमि को चैत्य भूमि तीर्थ स्मारक बनाने हेतु अधिग्रहण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब के जन्म स्थान पर जाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो बाबा साहब के जन्म स्थान पर गए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन पंच तीर्थों का निर्माण करके बाबा साहब को हमेशा याद करते हुए और उन सिद्धांतों पर चलने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक ही विचार था। आपने देखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको लाभ होना चाहिए, वो समाज के सबसे आगे आना चाहिए। और यही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि वो समाज का अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जब तक वो आगे नहीं आएगा हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब ने देश के गरीब के लिए, देश के मजदूर के लिए, देश के किसान के लिए, देश के युवा के लिए, देश की माता बहनों के लिए जिस तरह से संविधान में उनको आगे आने का काम किया है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। हमारे हर समाज आगे बढ़े, हर समाज साथ चले, सबको अधिकार हो, समान अधिकार के साथ वो काम करे, ये बाबा साहब ने दिया है। मैं आपसे आज के मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेस ने ये आपातकाल लगा करके संविधान को तोड़ने का काम किया, संविधान को बिखेरने का काम किया, लोगों की को आहत करने का काम किया, ये काला दिन 25 जून 1975 था। और आज के मौके पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने लगातार प्रदेश की चुनी हुई सरकारों को बदलने का काम किया सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने किया है, आज कांग्रेस इस बात को कहती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती है, अगर कांग्रेस चुनाव नहीं आए तो एक भी दिन गरीबी हटाओ का नारा नहीं देती है। अरे मैं कहना चाहता हूं, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, राजीव जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, सोनिया जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, बीच में मनमोहन सिंह जी भी दे करके चले गए, अब राहुल गांधी भी गरीब हटाओ का नारा दे रहे हैं। भाई अब कब तक आप नारा देते रहोगे? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप देख लेना चुनाव में इनका घोषणा पत्र देख लेना और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देख लेना, हमने जो वादे किए हैं चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं हमने जो वादे किए हैं हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से देश के नागरिकों को सशक्त किया है, सुनिश्चित किया है, इस देश के हरेक नागरिक के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, सामाजिक रूप से कमजोर उन्हें संबल दिया जाए। हमने आपने देखा होगा हमारी सरकार को आए कुछ दिन हुए, 6 महीने हुए, लेकिन हमने आपसे कहा था कि सामाजिक सुरक्षा जो व्यवस्था की पेंशन है हम उसे बढ़ाने का काम करेंगे, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम किया है, अगले कुछ दिनों में ही हम आपको सभी खातों में हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी के खातों में पहुंचेगी। यही नहीं, हमने कहा कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे,
हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया है। हमने कहा कि हम हमारी बहनों को, महिलाओं को 450 रुपए में सरेंडर देंगे। 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी, 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार कहती है वो हम करके रहते हैं। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के हर व्यक्ति को उसके अधिकारों कर्तव्यों में समानता मिलना, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता कई अनुच्छेदों में प्रकट होती है, जो विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और संरक्षण करती है। और जिस तरह से ये कहते हैं कि आरक्षण हटाने की बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत आरक्षण को नहीं हटा सकती। और आज हम भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस झूठे अफवाह उड़ा करके गुमराह करने का काम करती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें ऐसे लोगों से सजग रहना है, आपको देखना है, क्योंकि आपने देखा है कि हमेशा क्या कहते हैं और करते क्या हैं, आप कथनी और करनी में अंतर समझते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, इन सारी बातों को हमें समझना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें न्याय की परिभाषित किया है, संविधान को जिस तरह से सामाजिक न्याय के आधार पर रचा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान रचा है उसको दुनिया की कोई भी ताकत हो उसे कोई नहीं बदल सकता, ये आप बाबा साहब के ऊपर विश्वास करिए। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं, निश्चित रूप से मैं आपके संविधान संरक्षण मंच को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। भाई रामसा जी इसके संयोजक है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। आपसे इतनी अपेक्षा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं, क्योंकि हम एक नागरिक हैं। अगर किसी व्यक्ति को हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में किसी तरह की आवश्यकता हो, क्योंकि केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है, कई लोगों को जानकारी नहीं होने के अभाव में वो इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं, उनके पास वो स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं, आप सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, एक देश के नागरिक, एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते कि हम सब एक ऐसे सच्चे नागरिक हैं, हमें भी हमारे समाज के हर व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। हमारे समाज के अंदर, हमारे घर के नजदीक में, हमारे मोहल्ले के नजदीक में ऐसे कई लोग रहते हैं जिनको आवश्यकता है, क्योंकि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मेरा वो भाई जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको आवश्यकता है, उस मेरी बूढ़ी माँ को दवाई की आवश्यकता है, मेरी बहन को आवश्यकता है, मेरे बुजुर्ग पिताजी को आवश्यकता है, मेरे चाचा जी को आवश्यकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सभी एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं, हमारी सरकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाएं, और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के लिए हम आगे आए और उसको किस तरह का लाभ चाहिए, चाहे वो बीमार हो तो आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना जो हमारे राजस्थान सरकार की है, निश्चित रूप से उस योजना का लाभ उठाएं। हमारे 70 साल से ऊपर हमारे बुजुर्ग हैं, उनका 5 लाख तक का इलाज फ्री है, उनको हम दिखाएं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं सामाजिक क्षेत्र में हमारी योजनाएं चल रही हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं उन योजनाओं को लेकर के उस हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले और बाबा साहब के इस सामाजिक समरसता के विषय को आगे बढ़ाते हुए, सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को सबको लाभ मिले। अंत में इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूँ कि उसका लाभ उठाएं और मैं पुनः हमारे इस संविधान संरक्षण मंच को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छा कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो अभी आपने संविधान संरक्षण मंच से सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन सुना। उन्होंने कहा हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं है,
संविधान का जिक्र किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद, मंत्री मदन दिलावर, अविनाश गहलोत भी मौजूद हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे दिखा रहे हैं। गौस्टी में संविधान संरक्षण पर चर्चा हुई है और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा का आपने संबोधन सुना। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद। सीएम ने कहा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। तो सीएम ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, ये महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ और है। सीएम ने कहा, आज देश में संविधान को खतरा बताया जाता है, लेकिन हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। ऐसा वो लोग कहते हैं जिनकी पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी इस देश के लोकतंत्र में काला अध्याय है।